हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान, मैं हूं वरुण। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। अब यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन में और कौन कौन आते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आ गया, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह वगैरह। उसमें से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसका। अब इसका काम क्या है? ये इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ कौन सी होगी? जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह। इसके बाद है, ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थी, 1945 में इसे फॉर्म किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। आइए बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर। आर्टिकल 61 यूनाइटेड नेशंस चार्टर का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कंपोजिशन से डील करता है। इसमें बताया गया है कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसके 54 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट। देखो, 31 अगस्त 1965, इससे पहले क्या था, काउंसिल के सिर्फ 18 मेंबर्स थे। उसके बाद 31 अगस्त के बाद ये 27 मेंबर्स हो गए अमेंडमेंट की वजह से, और जो अब हैं, अब 54 मेंबर्स हैं। इसके जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली। और इसमें और प्रोसीजर ये है कि इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं टोटल मेंबर्स के, यानी 54 मेंबर्स, इसका 1/3 हो गया, 18 हो गया। अब इसके जो 18 मेंबर्स हैं वो हर साल इलेक्ट होंगे और वो काम करेंगे 3 सालों के लिए। इसके बाद है, जो मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं वो दोबारा भी इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, वो एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए। और जो हर मेंबर है इसका, उसके एक सिंगल वोट है काउंसिल में। ये आर्टिकल 61 पैरा 4 में बताया गया है कि हर मेंबर की एक ही रिप्रेजेंट होता है, एक ही पर्सन से, एक रिप्रेजेंटेटिव से काउंसिल में। और इंडिया भी इस काउंसिल का एक पार्ट है। आइए अब बात करते हैं वोटिंग प्रोसीजर की। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की हर मेंबर के पास एक सिंगल वोट है, एक ही वोट है उनके पास। इसमें इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जितने भी डिसीजंस हैं मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से लिए जाते हैं। मतलब मेंबर्स की इतनी मेजॉरिटी होगी जो प्रेजेंट और वोट करें, उनकी मेजॉरिटी से लिए जाएंगे। जितने वोट्स डले हैं उनके बेसिस पर होगा ये सब कुछ। ये आर्टिकल 67 ऑफ यूएन चार्टर में बताया गया है। इसके अलावा जो काउंसिल है वो मेंबर्स को, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को इनवाइट कर सकती है पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी डिलीब्रेशंस में, लेकिन उनके पास वोट डालने का राइट नहीं होगा। इसके बाद है, काउंसिल जो है वो अपना प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करती है। अब जो काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो 1 साल के लिए अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है। और उनको, उसको कहाँ से चूज़ किया जाता है? स्मॉल और मिड साइज जो कंट्रीज़ हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, वहाँ से उनको चूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट को। अब इसके बाद क्या है, एक फर्स्ट और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो इसमें इलेक्ट करती है। कब इलेक्ट करती है? जब इसका सेशन स्टार्ट होता है तब। अब हम बात करते हैं काउंसिल के सेशंस के बारे में। सेशंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई पीरियड को डिवोट किया जाए, उसे सेशन कहते हैं। हिंदी इक्विवेलेंट इसका होना चाहिए कार्यकाल। जैसे हमारे पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, वैसे ही इसके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के भी सेशंस होते हैं। तो इसमें है, रेगुलर सेशंस जो हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, वो साल में 2 बार होते हैं और हर सेशन की जो लेंथ है वो 1 महीने तक होती है। 1 महीने का तो होता ही होता है सेशन। और ये सेशन 2 हैं तो कहाँ कहाँ होते हैं? पहला सेशन होता है न्यूयॉर्क में, दूसरा जेनेवा में होता है। तो फर्स्ट सेशन किस लिए होता है? पहला सेशन होता है सोशल एंड ह्यूमन राइट्स के लिए, इसमें इन चीज़ों पर एम्फेसिस दी जाती है। दूसरा सेशन होता है इकोनॉमिक और डेवलपमेंट के लिए, यानी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दूसरा सेशन इस पर रखता है अपना, मतलब फोकस किया जाता है। इसके बाद है, स्पेशल सेशंस भी इसमें इंक्लूड होता है, स्पेशल सेशन भी हो सकता है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये जनरल असेंबली की गाइडलाइन के अंडर ही करती है। इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है? स्टडीज़ को इनिशिएट करना, स्टडीज़ को स्टार्ट करना। कैसी स्टडीज़? इकोनॉमिक और सोशल मैटर से रिलेटेड। और ये जो सारी स्टडीज़ करती है, इनके बेसिस पे इनकी रिकमेंडेशन करना जनरल असेंबली को, ताकि जनरल असेंबली इनको नोटिस करे इन चीज़ को। इसके बाद अगला इसका जो फंक्शन है वो है
ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स को प्रमोट करना, कि ये सबके लिए है, सारे सब लोगों के ह्यूमन राइट्स के लिए, सारे मेंबर स्टेट्स के लिए इनको प्रमोट करना। इसके बाद है ड्राफ्ट कन्वेंशंस प्रिपेयर करना और उनको जनरल असेंबली को सबमिट करना। ड्राफ्ट कन्वेंशंस का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट का मतलब हो गया कोई भी स्केच या कोई भी प्लान, किस चीज़ का? कन्वेंशन का। कन्वेंशन मतलब कोई भी एग्रीमेंट या कोई मीटिंग, यहाँ पर इसका मतलब मीटिंग है, यानी मीटिंग के जो भी प्लान्स हैं उनको बनाना इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाती है और जनरल असेंबली को सबमिट कर देती है। इसके बाद है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बुलाना और जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करना। कैसी इंफॉर्मेशन? जो जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कर रही है वो सिक्योरिटी काउंसिल को फर्निश करेगी इंफॉर्मेशन के रूप में, और ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी काउंसिल को असिस्ट भी करेगी। और तो और एक और अहम फंक्शन है कि जनरल असेंबली की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इफ़ेक्ट करना, उनको इफ़ेक्ट में लाना, कैरी आउट करना, इम्प्लीमेंट करना। अगला फंक्शन है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के काम को कोऑर्डिनेट करना। अब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ कौन सी होगी? जो ये होती हैं ऑटोनोमस बॉडीज़ यूनाइटेड नेशंस की, जो कि अपनी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट देती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। वो अपने एरिया में काम करने के लिए फ्री होती हैं। इसके एग्जांपल हो गए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जो है दूसरे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि इसके डोमेन में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।